हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल तो चलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का ग्रामर का लेसन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए आ जाइए सभी ज्वाइन हो जाइए और उसके बाद शुरू करता हूँ मैं मैं भी लिंक शेयर कर देता हूँ सो देट बच्चों को पता चल जाए थोड़ा बच्चों आने में लेट हो गया बिकॉज आपके लिए ग्रामर का रूल लिख रहा था मैं और मेरे पास टाइम बहुत कम था तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे चलिए आ रहे हैं धीरे धीरे और भी बच्चों को आ जाने दीजिए और आपके चैट्स भी ओपन कर ले रहा हूँ बिकॉज ग्रामर के लेक्चर में ना आपसे बातें करना तो बहुत जरूरी है क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको मैंने भी चालू कर लिया है चैट सो आप सबके चैट्स सोनी गुड़ी। इवन गुड़ी। तो आवाज बराबर है ना आने लगी आवाज पर ओके 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 चलो अब स्टार्ट करेंगे बच्चों बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और आज जो भी आप सीखने वाले हैं ना वो सच में बहुत ही मज़ेदार है बहुत ही अच्छा लगेगा गणेश हेलो गणेश हाय सर ईशोक सक्षम चलो जल्दी जल्दी सभी ज्वाइन हो जाओ और फिर शुरू करता हूँ और भी बच्चे आ रहे हैं बच्चों अब ये ग्रामर का जो सेशन होने वाला है ये थोड़ा कंटिन्यू टाइप का होने वाला है कंटिन्यू रहेगा बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको सारा चीज़ एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ भी है वो पूरा सिखा देना है मुझे हर एक छोटी से बड़ी बातें सिखा देना है जिससे आपको कोई भी डाउट ना बचे डाउट तो बिल्कुल रहने नहीं दूंगा एकदम डीप में सिखाऊंगा सब कुछ ये सेवन स्टूडेंट्स आ चुके हैं और भी आने बाक़ी हैं हेलो राजनंद चलो बच्चों अब मुझे शुरू करना चाहिए आपसे बातें होते रहेंगी और जो भी सीखना है वो हम सीखते रहेंगे बराबर देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे जो भी ग्रामर होगा ना वो सेट वाइज सिखाऊंगा मैं आपको पहले हम बातें करते हैं कुछ ये सेट वाइज ग्रामर क्या होता है सेट वाइज जो ग्रामर है आपको पता है ग्रामर बहुत सारे होते हैं आप ग्रामर में कंफ्यूज क्यों हैं कंफ्यूज होने का रीज़न यही है कि बहुत सारे ग्रामर है आपको लगता है क्या क्या सीखूं मैं इतना सारा है ठीक है तो बच्चों मैंने क्या किया है सबका सेट बना दिया अब आप पूछेंगे सर ये सेट क्या होता है बच्चों ध्यान दीजिए होता क्या है कुछ ऐसे ग्रामर हैं जो एक ही रूल्स को फॉलो करते हैं एक ही नियम कानून को फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न पे सब चलते हैं तो जितने भी ऐसे ग्राम है, ग्रामर है जो एक पैटर्न पे काम करते हैं तो एक ग्रुप बना दिया और उनका नाम सेट रख दिया। ओके, तो ऐसे कई सेट बना दिए हैं जिससे आपका पूरा ग्रामर भी खत्म हो जाए और बहुत ज्यादा आप परेशान भी ना हो कम पढ़ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा बातें आपको समझ में आ जाए इस लॉजिक से यह डिजाइन किया बराबर भाई काफी लेट हुआ मैं लेट होने का रीजन यही है कि मैं इसके क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा था बिकॉज ये डिजाइनिंग वगैरह आप देख जानते हैं कि टाइम लगता है क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे इफ आई थिंक टेन मिनट लेट हो गया मैं ओके नो प्रॉब्लम अब पढ़ेंगे ज़रा देखो और समझो क्या सिखा रहा हूँ और किस तरीके से सिखा रहा हूँ जो मेथड है वो मेथड आपके माइंड में एक बार बैठ जाए ना तो समझ लीजिए आपके लिए ग्रामर इजी हो जाएगा कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में आ जाए तो अच्छा हो क्या बात है मेरा इंटरनेट तो हो रहा है अब चल रहा है बराबर में आपके लिए लेक्चर चलते रहेंगे आप हेलो अमन ठीक है तो चलो अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको पहले सेट वाइज बातें करते कुछ कुछ सेट आज सीखने वाले हैं कौन कौन से सेट सीखेंगे पहले वो समझते हैं और सेट में क्या रखा है कैसे कैसे समझना है देखो बच्चों जो भी ग्रामर होता है आपके सामने अलग अलग नाम से तो रखा जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ देखिए ये जो ग्रामर है इसमें आपको कंपाउंड सेंटेंस करके पूछा जाता मेक इट कंपाउंड ऐसा बना के पूछा या फिर अलग अलग तरीके से सेपरेट भी पूछा जाता है इसको जैसे नॉट ओनली बटोल्सो का ग्रामर हो गया एंड हो गया एज वेल एज हो गया बोथ एंड हो गया ठीक है आइदर और और नाइदर ये ग्रामर तो आपने कई बार सीखे होंगे लेकिन आपको याद नहीं रहते बराबर है ना ऐसा ही होता है ना आपके साथ हर बार आप सीखते हो और भूल जाते हो इसका रीजन ये है कि कभी आपने टाइप वाइज नहीं पढ़ा उसको सेट वाइज नहीं पढ़ा अब आपको सेट वाइज सिखाऊंगा एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा और एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसका लॉजिक क्या है हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होती है आप जानते हैं इस बात को और लॉजिक समझ में आ जाए ना मेरे बच्चों तो काम ही हो जाए हमारा ठीक है लॉजिक समझ में आ जाए तो काम हो जाए अच्छे से काफिया पर अकाउंट का लेक्चर नहीं है अकाउंट का लेक्चर होगा बच्चों इसके बाद होगा शेड्यूल किया है इसमें क्वेश्चन इंक्लूड करने थे ना तो टाइम नहीं था मेरे पास इस वजह से थोड़ा लेट शेड्यूल किया चलो तो बातें करते हैं इस ग्रामर में क्या करोगे आप होता क्या है जरा देखना आपके पास सामने सेंटेंस दिया जाएगा क्या देंगे सेंटेंस देंगे और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा ठीक है कंपाउंड सेंटेंस पहले देखो समझो ये सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में समझिए इसको आप सेंटेंस वर्ड जो है ना इसको स्प्लिट कीजिए ठीक है एक वर्ड बनेगा सेंस और एक वर्ड बनेगा टेंस क्या बनेगा सेंस बनेगा और टेंस बनेगा ऐसा सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पढ़ने से आपको कुछ सेंस हो कुछ समझ में आए ठीक है और उसमें टेंस का यूज किया हो वो सेंटेंस है ठीक है अब बोलोगे सर तो कंपाउंड सेंटेंस का भी फैक्टर बता दो आप इसका जब फैक्टर बता रहे हो तो कंप्लीट राउंड क्या होता है कंप्लीट राउंड ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट है अपनी तरीके से कंपाउंड आप जानते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर जगह को चारों तरफ से घेर दिया जाता है ठीक है और फिर सपोज उसमें या तो बहुत सारी बिल्डिंगे हैं या फिर हाउस है कुछ भी बनाया हो उसको तो कहते हैं कंपाउंड तो कंप्लीट राउंड समझ आया यानी ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें पूरा का पूरा जो भी जो भी पार्ट होगा वो सेंटेंस रहेगा दो तो अलग अलग सेंटेंस होंगे और वो आपस में जोड़ दिए जाएंगे किसकी मदद से नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर एंड से आप जोड़ने वाले हो एज वेल एज बोथ एंड Neither nor, either और इनसे अब इसका रूल समझना क्या है कैसा रूल बता रहा हूँ ये बहुत ही डिफरेंट रूल है ऐसा रूल आपने सुना नहीं होगा या देखा नहीं होगा एकदम अलग तरीके से बताने वाला हूँ एकदम अलग तरीका इसके वजह से आपको ये माइंड में एकदम बैठ जाएगा अच्छे तरीके से और फिर नेक्स्ट टाइम से ना इस वाले ग्रामर में आपको कभी दिक्कत नहीं चलो क्या है समझते हैं यहाँ पे रूल मैंने आपके लिए लिख दिया है और कुछ मैथमेटिकल फंडास भी बता बताऊंगा इसके इससे रिलेटेड जिसकी वजह से आपको समझ आए देखो बच्चों मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो तो रूल दिया है वो दिया है टेक कॉमन क्या होगा जब आपके सामने सेंटेंस आएगा ना तो उसमें कुछ कॉमन होगा दो तो अलग अलग सेंटेंस होंगे उसमें आपको कहा जाएगा कि इसमें से कोई एक ग्रामर यूज कीजिए आपको ब्रैकेट में लिख के देंगे बराबर या फिर मेक इट कंपाउंड बोल देंगे तो आपको अपना खुद का भेजा लगाना है खुद का माइंड लगाना है और आंसर लिखना है दोनों में से चाहे जो भी केस बने आप कैसे आंसर लिखोगे उसकी बात करता हूं नॉट ओनली बट ऑल्सो हो एंड हो एज वेल एज हो बोथ एंड हो ना आधर नॉर हो आइर और हो कुछ सिमिलैरिटीज है और छोटा डिफ्रेंसिएशन है अलग है थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्या पहले देखो क्या बताया टेक कॉमन जैसे हमारा इस सेंटेंस मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है आई लाइक कॉफी आई लाइक टी एकदम सिंपल वाले सेंटेंस लिया है ऐसा क्यों बिकॉज आपको लॉजिक पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए लॉजिक एक बार बैठ गया आपके माइंड में तो आप डिफिकल्ट वाले भी आराम से करो एकदम ईजी है एकदम ईजी ध्यान से सुनना कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसका लॉजिक क्या होता है वो यहाँ पे आप देखोगे ना आई लाइक यहाँ पे भी लिखा हुआ है अगेन आई लाइक लिखा हुआ ठीक है ना बच्चों क्या होगा कॉमन हो गया कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में रहे यहां पे भी वही है और यहां पे भी वही है दोनों प्लेसेस पे आप देख रहे हो वही है आई लाइक आई लाइक है ना तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे कॉमन बोलोगे मैथ्स के हिसाब से देखो कॉमन बोलोगे आप क्या बोलोगे कॉमन अब ना बच्चों पहला लाइन तो हमको समझ में आ गया कि कॉमन क्या होता है कॉमन टेक कॉमन बोला मैंने मतलब जो कॉमन है उसको बस एक ही बार लिख लो आंसर जब बनाने जाओगे ना एक ही बार लिख लेना कैसे आई लाइक आंसर बनाऊंगा मैं कुछ इस तरीके से देखो आप समझो अच्छे से आई लाइक आई लाइक ये लिख लिया कॉमन लिख लिया अब उसके बाद कुछ ऐसा वर्ड आपको बचेगा जो अनकॉमन होगा अनकॉमन होगा मतलब दोनों में है ऐसा नहीं होगा अलग अलग है यहाँ कॉफी है तो यहां पे टी है ये अनकॉमन नंबर वन है आपका और ये अनकॉमन नंबर टू है इज दिस क्लियर अनकॉमन नंबर वन एंड अनकॉमन नंबर टू जब ये अनकॉमन नंबर वन है ना बच्चों तो अब यहां पे आपको अनकॉमन नंबर वन लिखना है और यहां पे अनकॉमन नंबर टू लिखना मैं लिख के बताता हूं ध्यान से समझो बताना क्या चाहता हूं एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कभी कोई डाउट नहीं बचेगा कभी नहीं कभी डाउट नहीं बचेगा आपने देखा मैंने यहाँ पे एक प्लेस ऐसे ही रहने दिया उसमें कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे एक जगह ऐसे ही छोड़ दिया है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे रहा हूँ मेरा सोल्यूशन हो गया ऐसा बोल के मैंने क्या किया जो कॉमन था उसको एक बार लिखा और जो अनकॉमन थे ना उसको दूर दूर लिख दिया है यहाँ पे मैंने कुछ जगह दे दी है और यहाँ पे जगह दे दिया अब क्या करूंगा आपको समझाऊंगा लॉजिक लॉजिक समझाने वाला हूं ये जो हमारे ग्रामर है ना इसमें दो पार्ट होते हैं मेरे बच्चों किसी में दो पार्ट होता है और किसी में एक ही पार्ट होता है ध्यान देना किसी में डबल पार्ट है और किसी में सिंगल पार्ट है यहां पे ए है और बी समझ आ रहा है इसमें डबल पार्ट हुआ पार्ट ए पार्ट बी भले ही आपका आंसर आता होगा हाँ अल्टरनेटिव चूज करने के लिए रहेगा ठीक है भाई बट आप सीखोगे नहीं तो आप अल्टरनेटिव चूज कैसे करोगे बताओ लॉजिक ही नहीं आता रहेगा आप कर नहीं पाओगे तो कैसे होगा समझना तो पड़ेगा ना एक है नॉट ओनली और दूसरा है बट ऑल्सो ओके इसमें दो पार्ट है ए है और बी है कैपिटल लिखता हूँ सपोज दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी इसमें क्या है बस एक ही पार्ट है तो ए वाला नहीं रहता है बी वाला रहता है इसमें भी एक ही एज वेल well एक ही वर्ड है तो ये बी वाला पार्ट है जरा समझो क्या समझाने की कोशिश की जा रही है एक बार मेरा आइडिया समझ गया ना तो ये ग्रामर आपके लिए हमेशा आपका हो जाएगा फिर कभी टेंशन नहीं आएगा ये आइदर और इसमें दो पार्ट है पार्ट ए है बी है नाइदर और इसमें भी पार्ट ए है और बी है मेरे पास हर एक चीज के लिए ट्रिक है बच्चों आप, आपके लिए हर चीज अच्छे अच्छे ट्रिक से सिखाऊंगा ध्यान दो बस आप यहां पे ये पार्ट ए है और इसमें पार्ट बी है तो आपने नोटिस किया कि कुछ ऐसे ग्रामर हैं इसके अंदर जिसमें डबल पार्ट है ए एंड बी और कुछ ऐसे हैं जिसके पास एक ही पार्ट है पार्ट बी ए इसमें काउंट नहीं होता अब क्या है इसका लॉजिक वो समझो जब हम आंसर लिखने जाते हैं ना मेरे बच्चों तो यहां पे पार्ट ए की प्लेस है हैव अंडरस्टूड पार्ट ए की प्लेस और पार्ट बी की प्लेस ओके okay? रूल क्या दिया आपको अब आ जाते हैं रूल पे अनकॉमन नंबर वन के पहले हमको ए लिखना है ये अनकॉमन नंबर वन है और इसको इसके पहले आपको ए लिखना है ए वाला हिस्सा और अनकॉमन नंबर टू ये आपका अनकॉमन नंबर टू है इसके पहले बी वाला पार्ट लिखना है अनकॉमन नंबर वन के पहले ए अनकॉमन नंबर टू के पहले बी ठीक है बात समझ में आ रही है अकाउंट क्वेश्चन बैंक कब आएगा कोई भरोसा नहीं ओके तो चलो दो पार्ट हम लोग देख रहे थे एक अनकॉमन नंबर वन के पहले पार्ट ए लिखने वाले हैं अनकॉमन नंबर टू के पहले पार्ट बी लिखने वाले हो ठीक है आगे क्या रूल है वो समझाऊंगा थोड़ा सा टाइम दीजिए और लॉजिक को समझिए अब हमने सीखा कि इसके आंसर हम कितने बना सकते आपको जो भी बताया मैंने पहले क्या बताया फर्स्ट बताया मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या बताया नॉट ओनली बट ऑल्सो ये ग्रामर है इज दिस क्लियर इसके अंदर पार्ट ए मेरा ये है और पार्ट बी ये है तो यहां पे आप नॉट ओनली लिखना और यहां पे बट ऑल्सो लिखना आई लाइक नॉट ओनली कॉफी बट ऑल्सो देखा बात समझ आई वैसे ही मेरे बच्चों बोथ एंड का होता है कैसा होता है बोथ एंड का यहां पे बोथ है और यहां पे एंड है क्लियर आई लाइक बोथ कॉफी एंड टी हैव यू अंडरस्टूड अब तीसरा वाला केस देखिए आप एंड वाला केस है ओनली एंड यहां पे एंड यानी बी पे लगाएंगे आप आई लाइक कॉफी एंड टी उसके बाद एज वेल एज वेल एज का केस है देखो समझो सारा का सारा रूल कैसे एक जैसा है बहुत इजी बना दूंगा ग्रामर बहुत इजी सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे एकदम इजी ऐसा लगेगा ना कि बस अब दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं है बस देखो आप यहां पे हमने क्या किया एज वेल एज बी वाले पार्ट में आएगा यहां पे लिखोगे वैसे ही आइदर और सपोज इसमें आयदर और का ग्रामर दे दिया गया आपको ठीक है आयदर और पढ़िए इधर और पढ़िए आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए यहाँ पे आइधर और लिख लेंगे आइधर लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे और लिख लेंगे या फिर इधर और जो कहना चाहें अब का ग्रामर, नाइदर और नॉर ठीक है या फिर नीदर नॉर कहिए जिसको जो पसंद हो यहां पर आ जाएगा आपका इधर यहां पर आ जाएगा नॉर समझ गए पूरा लॉजिक क्लियर है आइडिया क्लियर है आपको इसमें पार्ट ए कौन सा ये वाला जो होता है उसको हम पार्ट ए कहते हैं और ये वाला जो रहता है वो सब पार्ट बी कहलाता है और इसमें हम इस तरीके से भर देते हैं अब किसी को डाउट है तो मुझे बताइए बिकॉज इसके आगे और भी चीज़ें हैं जो मुझे समझाना है इसकी लॉजिक यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती आपके सामने इतना सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं रख दिया जाएगा हम टीचर्स आपको बुद्धू बनाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे जब पेपर सेट करेंगे तो कुछ ऐसा सेट करेंगे जो आपने देखा नहीं होगा डिफिकल्ट लगेगा और उसको आप छोड़ दो बराबर इसलिए आपको सारी ट्रिक तो मुझे सिखानी पड़ेगी कि मैं क्वेश्चन ऐसे भी टीचर एक क्वेश्चन ऐसे भी सेट कर सकता है इस तरीके से भी सेट कर सकता है ये भी मेथड हो सकता है सारा मेथड आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि हम कैसे सोचते हैं आपको कैसे सोचना चाहिए सब बातें क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात क्या मैं इसका आंसर लिखू सेपरेटली सबका अलग अलग नॉट ओनली का बट ऑल्सो का एंड का एज वेल एज का या फिर आगे बढ़ू नेक्स्ट वाले नेक्स्ट वाला समझाऊ में आ गया बहुत अच्छी बात है चलिए अब मैं दूसरा वाला पार्ट बताता हूँ इसका इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपको समझाना है मेरे बच्चों होता क्या है मालूम है कई बार जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखा रहेगा कि जो यहां पे है वही यहां पे है देखो ना यहाँ पे लिखा है श्याम स्पीक्स इंग्लिश ठीक है और यहाँ पे ही रीड्स हिंदी अब मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पीक वर्ड और रीड्स यहीं से हमारा पूरा अनकॉमन का सिलसिला शुरू हो जाता है ये अनकॉमन नंबर वन हो गया आपका और ये अनकॉमन नंबर टू हो गया और यहाँ पे देख हो श्याम लिखा ना श्याम के लिए ही, ही का यूज किया गया है मतलब श्याम और ही अलग अलग नहीं है ये भी श्याम ही है ये भी श्याम ही है समझ में आ रहा है ये श्याम है ये भी श्याम है इसके लिए आपको अलग नहीं समझना है टीचर क्या करेगा आपको थोड़ा सा बुद्धू बनाने के लिए चेंज कर देगा लेकिन आपको नहीं बनना है बुद्धू आपको सारे मेथड पता होने चाहिए अब आपको पता चल गया ये दोनों कॉमन है कॉमन वाले को आप पहले लिखोगे ठीक है रूल के हिसाब से मैंने क्या रूल सिखाया था रूल आपको सिखाया गया कि जो कॉमन होता है ना उसको एक बार लिख दो फिर अनकॉमन वाले के पहले डैश फिक्स List. उसके बाद वापस से डैश रीड्स हिंदी जो भी है वो मैंने लिख दिया सपोज अब तक कोई डाउट है तो बताइए मुझे अब हम क्या करेंगे इसके पहले ए का पार्ट लगा देंगे और यहां पे बी का पार्ट लगा दो हो गया आपका कंप्लीट ए हो गया बी हो गया इसमें भर देना आप Not only, देखो श्याम नॉट ओनली स्पीक स्पीक्स ना इंग्लिश बट ऑल्सो रीड्स हिंदी Okay नेक्स्ट पार्ट वैसे ही एज वेल एज का है तो राम स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज रीड्स हिंदी देखा है ना इजी बच्चों ये पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है क्वेश्चन पूछने का कि जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा उसी का सेकेंड पार्ट जो है ना अलग तरीके से दिया जाएगा लेकिन आपको समझना है कि वो सेम है या अलग है डिफरेंट है जिससे कॉमन और अनकॉमन आप पहचान सको अब मेरे बच्चों याद रखिए हम टीचर्स क्या करते हैं इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं आपके लिए होता क्या है कई बार ऐसा करते हैं कि ऑलरेडी आपको एक ग्रामर उसमें यूज करके दे देते समझ रहे हैं आप और बोलते हैं दूसरा ग्रामर जो है ब्रैकेट में दे देते कि ये वाला ग्रामर अब इसमें यूज़ कीजिए अब स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाता है क्या सोचता है अरे इसको कैसे करें वो वो वाला ग्रामर भी उसमें फिट करके चला आता है अरे एक ग्रामर तो ऑलरेडी फिट था उसको पहले आप निकाल के उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए या अपने पॉकेट में रख के लेके घर पे आ जाइए और जो दूसरा वाला ग्रामर हमने यूज़ करने के लिए कहा है वो वाला यूज़ कीजिए अब ऐसा कैसे क्वेश्चन हो सकता है आ जाओ ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें देख रहे हो आप पहले से एज वेल एज लगाया गया है मतलब क्या है हमारा रूल क्या था पहले कॉमन लेते हैं हम लोग ये कॉमन पहले से ले चुका होगा अनकॉमन पता करते हैं अनकॉमन इसने पहले ही पता कर लिया होगा और अनकॉमन नंबर टू के पहले एज वेल एज लगाते हैं उसने लगा के हमको दे दिया है अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है हमें पता है कि एक ग्रामर ऑलरेडी इसमें यूज है सपोज इसमें आपको नॉट ओनली बट बटोल्सो लगाने के लिए बोल दिया क्या लगाने बोला नॉट ओनली बट बटोल्सो आप क्या करोगे पहचानोगे इससे पूछोगे यही है जो बता सकता है कि अनकॉमन वाला पार्ट कौन सा है इसके जस्ट पड़ोसी को देखो पड़ोसी जो वर्ड है वो वर्ड चिल्ला चिल्ला के बताया गया कि मेरे जैसा और कौन सा वर्ड है इसके अंदर कुक ऐसा कोई वर्ड इसमें है ये नाउन है ना ऐसा ही नाउन कुछ होगा एडजेक्टिव एडजेक्टिव रहेगा एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब रहेगा ऐसा ही कुछ वर्ड आपको स्टार्टिंग में इधर भी मिल जाएगा जिससे पता चल जाता है कि अरे सेकेंड वाला अनकॉमन जो है ये वाला है ये अनकॉमन नंबर वन है ये अनकॉमन नंबर टू है यहां पे हम ए को लिखते हैं और यहाँ पे बी को लिखते हैं बी वाला तो लिखा हुआ है ए वाला गायब है जब हम आंसर बनाएंगे तो कुछ इसका आंसर इस तरीके से होगा डैश like. आपको डैश नहीं देना है मैं इसलिए दे रहा हूं बिकॉज मैं एक ही साथ में सारा उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं समझ आ रहा है डैश इसलिए दे रहा हूं बिकॉज एक ही साथ में मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं सभी के सभी ग्रामर क्योंकि मेरा रूल ही अलग है मैं सारे ग्रामर एक साथ सिखाता हूं ताकि आप एक सीखो लेकिन सब आ जाए ठीक है बहुत सारे सेट नहीं होंगे बहुत कम सेट होंगे और सब कर, कवर हो जाएगा सब कुछ आने लग जाएगा देखो आगे आगे देखो कितना मजा आता है पढ़ने में बहुत मजा आएगा सच में बहुत मजा आएगा नो प्रॉब्लम आ तो गए चलो बात कर रहे हैं हम लोग तो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से करोगे आप जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाने के लिए बोला गया तो आप कैसे लगाओगे यहाँ पे लिख देना आई लाइक नॉट ओनली पेप्सी बट ऑल्सो कोक और फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना खत्म बोथ हैंड आएगा तो कैसे लगाओगे ब्रैकेट में लिखा रहेगा बोथ हैंड लगाइए तो आई लाइक बोथ पेप्सी एंड कोक खाली एंड यूज करने के लिए बोला गया तो सबसे इजी ग्रामर होगा क्यों हम एज वेल एज को रिप्लेस करेंगे और वहां पे एंड को फिट कर देंगे खत्म कहानी समझ में आ गया यानी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एक तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें सेपरेट सेंटेंसेस दिए गए रहेंगे और किसी भी ग्रामर का यूज नहीं किया होगा आपको ही ग्रामर का यूज करना है और टोटल ये जो सिक्स ग्रामर है उसमें से कुछ भी ग्रामर पूछा जाएगा बोलेंगे ये वाला ग्रामर आप इसमें यूज कर दीजिए एक मेथड ये हो गया दूसरा मेथड ऐसा हो सकता है जिसमें फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है सेकंड वाला सब्जेक्ट अलग दिखेगा पर एक ही होगा तीसरा मेथड ऐसा हो सकता है कि आपको ऑलरेडी उसके अंदर एक ग्रामर यूज करके दिया हुआ है और दूसरा ग्रामर आपको यूज करना है आपको यूज करना है तो जो पहले से ग्रामर यूज है उसे आप निकालो और उसको थ्रो कर दो एक साथ में ग्रुप में सिखाने का यही फायदा होता है कि बच्चों को ये बातें समझ में आ जाती हैं कि पहले से उसमें ग्रामर कोई यूज किया गया है या नहीं किया गया अब मैंने आपको सब एक साथ बताया तो इसमें से कुछ भी यूज रहेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हां ये वाला ग्रामर यूज किया गया है और मुझे दूसरा वाला ग्रामर यूज करने के लिए कहा गया है चलो एक और ट्रिक बतानी है एक और ट्रिक बताना है कौन सा ट्रिक ये आ जाओ मैथमेटिकल फंडा की तरफ जरा समझो एक मैथमेटिकल फंडा बता रहा हूं प्री कॉमन और पोस्ट कॉमन क्या होता है जरा मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिए इसमें एक्स यहां पे है और यहां पे भी एक्स है ए एक्स प्लस बी एक्स ऐसा लिखा मैं तो सोचिए एक्स बाद में है कि पहले है बाद में है ना यहां पे भी एक्स बाद में यहां पे भी एक्स बाद में है तो आप क्या करोगे जब कॉमन लोगे तो पहले मत लेना बाद में लेना यहाँ पे पोस्ट कॉमन कहते हैं बाद में कॉमन लिया दूसरा कैसा है इसके अंदर देखिए ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ पे बी नहीं रहेगा यहाँ पे ए रहेगा लिखने में हो गई है मिस्टेक यहाँ पे रहेगा मेरे बच्चों ए एक्स प्लस ए वाई हमने क्या देखा यहां पे ए है और यहां पे भी ए है दोनों जगह पे ए है है स्टार्टिंग में है, तो कॉमन आप स्टार्टिंग में लोगे फिर उसके बाद ये आपके अनकॉमन वाले पार्ट बच जाते हैं ये मैथमेटिकल फंडा फंडा बता दिया यही आप यहां पे यूज कर रहे हो कैसे आपको इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कॉमन मिला इसलिए आपने शुरू शुरू में कॉमन लिया और एकदम स्टार्टिंग में रख दिया इसको ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें भी आपको शुरुआत में ही कॉमन मिल गया इसलिए आप स्टार्टिंग में लिखोगे श्याम लिख दिया आपने एक ही बार कॉमन हमेशा एक बार लिखते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अब हमारे पास वो देखिए माय फादर वाज वेरी हैप्पी ठीक है माय फादर वाज वेरी हैप्पी क्लियर रहे अब दूसरा माय मदर वाज वेरी हैप्पी वाज आल्सो वेरी हैप्पी देखा आपने दो पार्ट है ना इसके अंदर एक तो माय फादर है और एक माय मदर है बात समझ में आ रही है मैथमेटिकल पंडा नहीं समझा फिर से बताओ क्या अभी बता ही रहा हूं ना आप देखो ना सही समझ में आ जाएगा सिद्धि नहीं समझा एक बार और बताओ ठीक है मैं बताता हूं टेंशन मत लीजिए डोंट वरी एक बार और बता रहा हूं आप टेंशन मत लीजिए थोड़ा समझा देखिए देखिए बच्चों जरा ध्यान से सुनिए मैंने क्या बताया मैंने बताया जब कॉमन बाद में मिलेगा ना तो आप उसको बाद में लिखना और स्टार्टिंग में कॉमन मिलेगा ना तो स्टार्टिंग में कॉमन लिखना यही है मैथमेटिकल पंडा इसमें देखो ये वाला और ये वाला पार्ट बाद में कॉमन हो रहा है हम इसे बाद में लिखने वाले हैं अब अनकॉमन वाला कौन सा है अनकॉमन वाला मेरा पहला माई फादर है और दूसरा माए मदर है ये दोनों अनकॉमन वाले सेंटेंसेस वर्ड्स हैं बराबर तो अनकॉमन नंबर वन एंड अनकॉमन नंबर टू रूल हमारा कहता है कि अनकॉमन नंबर वन के पहले प्लेस आएगा यहां पे लिख दूंगा मैं माई फादर ठीक है और यहां पे फिर से स्पेस दे देंगे लिख दूंगा माए मदर ओके okay. लिख दिया ना ध्यान से समझो माय फादर डैस माय मदर दो चीजें लिख दिया अब उसके बाद आपको जो ये जो कॉमन मिला है ना मेरे बच्चों वो लिखना है एक ही है ना दोनों देखो ना वॉज वेरी पे लिखोगे समझ आ रहा है लेकिन लिखते टाइम में आपको टेंसेस का भी ध्यान रखना है टेंसेस का ध्यान रखना है मतलब क्या पहले एक ही जन के बारे में बात हो रही थी खाली पापा के बारे में बात हो रही थी इसलिए वॉज लगा था अब पापा और मम्मी दोनों के बारे में बात हो रही है दोनों साथ में आ जाएंगे ना क्लब हो गए दो मेंबर हो गए तो अब वॉज नहीं लगेगा ना वेर लगाओगे आप माय फादर एंड माय मदर वर ठीक है वॉज मत लगाना अब वेर लगाना क्यों लगाना बिकॉज आपका सब्जेक्ट जो है ना डबल हो गया पहले सिंगल था ये छोटा सा माइनर चेंजेस करना पड़ता है इसलिए ये वाला टाइप मैं आपको सिखा रहा हूँ वेरी हैप्पी अब किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो और मैथमेटिकल फंडा में भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछो यहां पे मैंने क्या बताया मैथमेटिकल फंडा मैंने बताया कि जब ऐसा रहे एक्स प्लस बी एक्स मतलब कॉमन बाद में जैसे मैंने ये वाला कॉमन दिया ना देखो बाद में है। तो हम कॉमन लेंगे तो कैसे आएगा पहले ए और बी साथ में आएंगे ए प्लस बी और जो कॉमन वाला है वो बाद में हम लोग लिख देंगे वही काम किया पहले ए वाला लिख दिया बी वाला लिख दिया और कॉमन वाला पार्ट बाद में लिख दिया तो हो गया ना चलो समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है आप लोगों के आंसर भी आ रहे हैं थोड़े हम्म नो डाउट बहुत अच्छी बात चलो ये वाला पार्ट हमारा हो गया मेरे बच्चे इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बताना और भी बातें समझ लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है सीरियसली बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट ठीक है अब क्या करें यहां पे पार्ट ए लिखा जाएगा नॉट ओनली यहां पे पार्ट बी लिखा जाएगा बट ऑल्सो यहां पे पार्ट ए लिखा जाएगा बोथ और यहां पे एंड लिखा जाएगा बोथ एंड यहां पे खाली एज वेल एज होगा तो आप यहां पे लगाओगे बोथ सॉरी एंड रहेगा तो भी आप यहां पे लगाओगे अब कोई डाउट है सारा बता दिया पूरा फंडा आपका क्लियर हो गया यहाँ पे कि हमारे पास पार्ट ए है पार्ट बी है मैं पार्ट ए आंसर में यहाँ पे लिखूंगा और पार्ट बी यहां पे लिखूंगा सारे ग्रामर एक साथ में आपके कवर हो गए सब कुछ बता दिया आयदर और कैसे लगाओगे नायदर नॉर कैसे लगाओगे बोथ हैंड कैसे लगाएंगे नॉट ओनली बट बटोल्सो कैसे लगाएंगे एंड कैसे लगाएंगे एज वेल एज कैसे लगाएंगे सारा ग्रामर हो गया ना मजेदार है ना एकदम ये सेशन कैसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है तो भाई इसी तरीके से आगे के भी सेशन होंगे अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है नेक्स्ट वाला पार्ट द लास्ट पार्ट फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे hmm. हम्म है डाउट समझ में चलो मेरे बच्चों आ ही जाना चाहिए यही सोच के आप लोगों के लिए ये सिखाया जा रहा है और ये पूरा जब ग्रामर का सेट सिखा लूंगा ना मैं तो आपको पेपर की प्रैक्टिस कर रहा उसमें सब ग्रामर एक साथ में मिक्स आएंगे आपके साथ पहले सबको इंडिविजुअली सिखाना है ज़्यादा सेट नहीं आप टेंशन मत लो ठीक है चेंज द वॉइस तो हमारा हो ही गया है मैंने सिखा दिया वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए और नैरेशन सिखाई दिया है समझ आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर थे इसलिए उनको सेपरेटली लेके सिखा दिया है और वो तो बहुत अच्छे से सिखाया है बहुत अच्छा है। एक बार वीडियो देखा मतलब आपके माइंड में बैठ ही जाएगा और एकदम यूनिक मेथड सिखाया है जो बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग है ठीक है चेंज द डिग्री वाला और चेंज द वॉइस वाला नरेशन नहीं सिखाया है क्या नरेशन सिखाया तो है नरेशन चलो नेक्स्ट पार्ट राम इन पैकिंग अब क्या कहता है पहले से इन्होंने एंड वाला एक ग्रामर इसमें यूज कर दिया है अब भाई हम साथ में पढ़ रहे तो हमको तो सब पता चल रहा है ना फटा फटाफट कि कौन सा ग्रामर यूज किया गया है ऑलरेडी इसके अंदर एक ग्रामर का यूज किया गया है जो हमें एक नजर में नजर आ जा रहा है बस खाली बात यह है कि हम अब अनकॉमन पता करने के लिए आगे बढ़ेंगे मैंने कहा था कभी भी आपको अनकॉमन पता करना है तो इसी से पूछो इसका पड़ोसी जो होगा ना वैसा ही वैसा ही वर्ड हमको स्टार्टिंग में ढूंढना होगा तो हिज मदर ठीक है ये नाउन है ऐसा ही नाउन कोई है, राम है यानी ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाला है ठीक ऐसा ही क्वेश्चन ये क्या स्प्लिटेड दो अलग अलग सेंटेंस थे यहाँ पे सिंगल है एक ग्रामर ऑलरेडी यूज्ड है हम उस ग्रामर को निकाल के कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे और जो ग्रामर हमसे पूछा जाएगा वो लगा देंगे डैश राम डैश इज मद डीजी इन पैकिंग सब कुछ सिखाने के बाद एक लास्ट वाला बचेगा बच्चों इसके बाद भी ना ना में एक छोटा काम करना पड़ता है अब यहां पे आप ए लिख सकते और यहां पे बी लिख सकते नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज मदर बोथ एंड का ग्रामर यूज करना चाहते हैं बोथ राम एंड हिज मदर चलो ये ग्रामर पूरा समझा दिया है कुछ भी नहीं बाकी है सर वी वेरी हैप्पी आ सकता है कितने हैप्पी आएगा भाई नहीं 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 वीडियोस चैनल पे अपलोड है हर एक ग्रामर का एकदम बढ़िया ट्रिक सिखाया मेरे बच्चों उसको आप देखो और जहां तक इंग्लिश के प्रिपरेशन की बात है ना ऐसी तैयारी कराऊंगा ना कि आपको बहुत मजा आ जाएगा और जो भी मैं सिखा रहा हूं ना प्लीज इसको अच्छे से सीखो बिकॉज ये खाली आपके ट्वेल्थ लेवल के लिए नहीं है आगे सीए सीपीडी करना चाहते हैं ना आप तो भी काम आ जाने वाला है आपको तो भी ये काम आ जाएगा आपको सब नाइदर नॉर्म में क्या चेंज रहेगा जी अभी बता रहा हूँ बस दो मिनट का टाइम दीजिए नाइदर चेंजेस क्या रहेंगे उसके बारे में बात कर ले यहाँ पे मैंने कुछ रूल दिया है ध्यान दीजिएगा ये थर्ड और फोर्थ मुझे बताना है वो बताऊँगा उससे पहले नाइदर नर पे चलते हैं नाइदर नर पहले इसे जानने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूं ठीक है हम बातें करेंगे तीन बंदों से तीन बंदों के बारे में हम समझ ठीक है कितने बंदे है? हमारे पास थ्री समझा ना तो आगे जाके बहुत काम आएगा हर ग्रामर में वो मुंह उठा के चले आएंगे और आपको तंग करने लग जाएंगे समझ में आ रहा है कौन कौन है देखते हैं यहाँ पे जो है ना एक गो लिखा हुआ है दूसरा लिखा हुआ है गोज लिखा हुआ है और इसका तीसरा लिखा है वेंट लिखा हुआ। जब ना बच्चो, तो ना, बच्चों को पीटोगे तो इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो निकल के बाहर भाग जाए नहीं नहीं मुझे नहीं मार खाना है ये बोल के इसमें कौन छुपा है पता है डू छुपा है डू जो है ना मेरे बच्चों एकदम सीधा साधा भोला भाला है जब वो वर्ब में जाके छुप जाता है ना तो अभी हमें दिखाई नहीं देता है कि वो वर्ब के अंदर बैठा हुआ है ठीक है और डज इसमें डज छुपा हुआ है डज जो है ना वो डॉगी है डॉगी समझते हो अरे डॉग यार डॉग उसकी पूछ जो है ना बाहर दिखाई देती है ये रहा डज की पूछ दिखाई दे रही है उसी से आप उसकी पूछ पकड़ोगे बोलोगे बाहर निकल चल 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 बाहर निकल जल्दी इनका बाहर निकालोगे उसकी पूंछ पकड़ ये डज डॉगी है क्या है डॉगी है तो इसके अंदर कौन छिपा है छुपा हुआ है ये ग्रामर बहुत काम आने वाला है आपके दिमाग में समझ में आ गया ना तो समझ लो बहुत मजा आ गया प्लस गो गो बनेगा बनेगा ये आप बाहर निकालोगे तो गो समझना बहुत बड़ी बात कह रहा हूं वो नाइदर नॉर में यूज होने वाला है और आगे बहुत सारे ग्रामर में यूज होने वाला है खाली यहीं पर नहीं बहुत सारे ग्रामर में यूज होने वाला है जितने भी आगे सेट सिखाने वाला हूं ना सब में यूज होगा देख लेना आप समझ गए हर सेट में काम आने वाला है जैसे ये वाला देखिए इसके बाद मैं ये वाला सेट सिखाने वाला हूं ठीक है सारे सेट रेडी हैं आपके लिए देख रहे हो आप ये सब 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 सेट रेडी है सब कुछ सिखाना बहुत मजा आने वाला है बहुत बहुत सारे सेट है बच्चों सारा सेट तैयार करके रखा है बस डेली लेक्चर लेके और सब कुछ सिखा देना है आपको ग्रामर के सारे रूल बन चुके हैं आपके लिए सिखाते जाना है सिखाते जाना है और आपको लेक्चर अटेंड कर लेना है थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है दस पाँच मिनट वेट कर लिया करो अब यहाँ पे वेंट जब इसको आप स्प्लीट करोगे ना इसको फोड़ोगे ना इसको मारोगे तो क्या आएगा है जानते हैं ये डॉन है डॉन डिड डॉन है इसको मैं डॉन बोलता हूँ क्यों जानते हैं जिस भी वर्ब में जाता है ना उसकी पूरी दुनिया बदल देता है उसका पूरा हुलिया बदल देता है पूरा नक्शा बदल देता है पहचान भी नहीं आएगा जल्दी से बच्चे बेचारे परेशान अरे इसमें कौन सा वर्ब छुपा हुआ है कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है ये आप हेल्पिंग वर्ब है आपका डू डज और डिड ये तीन हेल्पिंग वर्ब जिसको समझ में आ जाना उसके लिए ग्रामर तो समझ लो बहुत ईजी हो गया आसानी से आप खत्म कर दोगे ओनली थ्री समझ गए पक्का समझ में आ रहा है ना हाँ मेरे बच्चों ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सर ये पीडीएफ भेजो ना ग्रुप में जरूर भेजूंगा मैं ठीक है चलेगा सीए और सीएस का बना देते हैं आप सीए करना चाहते हो कि सीएस बच्चों अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो सीए सीए करना है या सीएस करना है उसकी अब एग्जाम तो पोस्टपोन कर दिए गए ना वो चैप्टर पढ़ो जो आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से मैच होते हैं बहुत सारे चैप्टर है जो मैच होते हैं वो सब पढ़ डालो पहले ही जैसे तैयारी कर लो ट्वेल्थ में भी काम आ जाएगा थोड़ा डीप नॉलेज मिलेगा वहाँ पे चलो यहाँ पे गो है गोज है और वेंट है ठीक है ये तीनों है सी ए और सी एस के लिए मेरा नया चैनल आ रहा है आपको पूरा सिखाया जाएगा फाउंडेशन जो करना चाहते हैं अच्छा सपोर्ट मिलेगा उनको न्यू चैनल आएगा सी ए और सी एस स्प्लिट किया सारी बात क्लियर है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है चलो अब एक ऐसा सेंटेंस लेना चाहिए जिसके अंदर ये बातें आपको मैं सिखा सकूं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता क्या करते हैं यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे सपोज क्वेश्चन आपके सामने आया आई लाइक like है तो आई क्या आ जाएगा डोंट लाइक ही पे बनाता हूं थोड़ा अच्छा रहेगा आप ही बनाऊंगा ना तो डोंट नहीं आएगा तब डजेंट आएगा ठीक है डजेंट आएगा मेरे बच्चे। ही डजेंट समझो हा क्या कहना चाहता हूं बस दो मिनट का टाइम दो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका आज ही डजेंट लाइक कॉफी ही डजेंट लाइक देखा दोनों पार्ट स्प्लिट कर दिया देखो जरा समझो इस ऐसा क्वेश्चन आएगा सपोज ऐसे क्वेश्चन में नाइदर नॉर पूछे जाते हैं ये जो मैंने बताया एग्जाम्पल उसमें नहीं पूछे जाते जिसमें नाइदर नॉर पूछेगा ना या नीदर नॉर कहते हैं आप जो भी कहिए वहां पे आपको नॉट जरूर दिया होगा ठीक है नॉट जरूर दिया होगा कंबाइंड सेंटेंस होगा ना पहले ऑलरेडी एक ग्रामर यूज रहेगा तो भी उसमें नॉट जरूर रहेगा एक ही में नॉट दिखेगा हम एक जगह काटेंगे मतलब दोनों जगह नॉट कट जाएगा देखो इसमें से मैं नॉट को कट करने जा रहा हूं रूल क्या होता है पहले से जो नॉट लगा हुआ है उसको आप निकाल के कचरे के डिब्बे में फेंक दो आपने इसको थ्रो कर दिया नॉट हटा दिया नॉट हटाते ही आपका डज अकेला हो जाएगा ये ये तीन हेल्पिंग वर्ब जो है ना मेरे बच्चों कभी अकेले नहीं रह सकते समझ में आया जब क्वेश्चन मार्क लगा होगा तब ये अकेले रह सकते हैं बट ऐसे नहीं रह सकते इनके साथ नॉट होना ही चाहिए नहीं है नॉट हटा दिया तो ये जाके फटाक से वर्ब में मिल जाते हैं और वर्ब का ऐसा फॉर्म बना देते हैं फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस और एस बना देते हैं या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है देख रहे हैं आप ऐसा लिख के दिया है जैसे ही नाइदर इधर नॉट लगाओगे तो उसमें से नॉट हटा देना और नॉट हटाते ही आपका वर्ब का फॉर्म इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा वही बताया गया है और वही सिखा रहा हूँ जब डज इसमें मिलेगा ना तो लाइक नहीं रह जाएगा फिर ये, ये लाइक्स हो जाए क्या हो जाएगा समझा एक लॉजिक वो भी यहां पे भी वही होने वाला लाइक्स अब आ जाओ हमारे नियम कानून पे हमारा नियम कानून क्या है जो कॉमन होता है उसका हम कॉमन ले लेते हैं ही लाइक्स कॉमन है ही लाइक्स कॉमन है तो एक बार लिख देंगे लाइक्स अब कॉफी और अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है मैं समझ चुका हूं कि आप सबको पूरे अच्छे तरीके से बातें क्लियर हो चुके यहाँ पे आप क्या लगा दोगे नाइदर और यहाँ पे लगा दोगे नॉर हम्म तो नाइदर और नॉर में बस एक चीज एक्स्ट्रा होता है वो क्या है उसके अंदर दिया होगा नॉट और उस नॉट को हटाएंगे तब जाके हमें नाइदर नॉर लगाने का चांस मिलेगा बट रूल नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला ही फॉलो करता है वो इसलिए उसके साथ में ही सिखा रहा हूं बस एक चीज एक्स्ट्रा थी नॉट काटना अब क्लियर है अब एक छोटी सी और बात एकदम छोटी सी मैंने आपको रूल बता दिया फर्स्ट वाला सेकंड वाला साथ में फिफ्थ वाला रूल बता दिया मेरे बच्चों जब हम कॉमन लेते हैं ना तो आर्टिकल्स कभी कॉमन नहीं होते आर्टिकल्स को भी कॉमन मत ले लेना ना 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 आर्टिकल्स कॉमन नहीं लेते आप उसको कॉमन मत लेना साथ में ना फॉर आएगा ना कभी और ऑफ आएगा तो उसको कॉमन मत लेना ठीक है ये प्रीपोजिशन है और क्या प्रिपोजिशन कॉमन नहीं लेना है हुँ? अब एक बात देखिए एंड, एंड की जो ग्रामर है ना बहुत पावरफुल है ये ना किसको भी कॉमन ले लेती है आर्टिकल्स को नहीं ले सकती इनको तो नहीं ले पाएगी इसके अलावा जो प्रीपोजिशन होते हैं बाकी के अदर प्रीपोजिशन को ये लोग कॉमन ले लेते हैं बस ये दो ग्रामर बोथ एंड वाला और एंड वाला ठीक है और सबको कॉमन नहीं ले सकते जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो जब वो आप लगाओगे तो जो प्रीपोजिशन रहेगा ना उसको कॉमन मत लेना प्रीपोजिशन को कॉमन मत लेना ठीक है फॉर ऑफ विद ये सब क्या है प्रिपोजिशन है ना तो कॉमन मत लेना कौन से ग्रामर में ये सब ग्रामर में नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर ऑर आइर एज वेल एज ठीक है एंड और बोथ एंड थोड़ा एक्स्ट्रा पावरफुल है वो कॉमन ले सकते हैं पर इनको कॉमन नहीं ले सकते इनको कोई कॉमन नहीं ले सकते बस ये बताना था अब मैं सब कुछ सिखा चुका हूं अब यहां पे कुछ बाकी नहीं रहा ये ग्रामर आपका कंप्लीट ठीक है अब नेक्स्ट डे कल जो होगा ग्रामर सेट टू सिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ठीक है ना ग्रामर सेट टू जो कि हमारा ये वाला है ये ग्रामर सेट टू है मेरे बच्चों बहुत सिंपल है बहुत ही ज्यादा सिंपल है एक साथ में सारे ग्रामर क्या है ऑन याद कैसे रखना है ऑन आफ्टर बिफोर वायल बाय साथ में वी प्लस ऑन आफ्टर बिफोर वायल बाय ऐसा करके लर्न करके रखना है ये सारे ग्रामर एक ही रूल को फॉलो करते हैं क्या रूल है ये तो कल के वीडियो में आप देखो कल के वीडियो में इसको सीखोगे इससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो सीखोगे सारी बातें सीखोगे एकदम अच्छे और ये जो ग्रामर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए काम में आता है और अलग से भी सेपरेटली पूछा जाता है ब्रैकेट में लिख देगा ये काम कीजिए आप कर देना और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बोलेगा तब तो बहुत अच्छी बात है तो भी आप कर लोगे यही और यहाँ पे स्टार मार्क लगाया कुछ है इसका रीजन कल ही पता चलेगा कल के लेक्चर में अब यहां पे स्टॉप करूं लेक्चर हां मेरे बच्चों बच्चों वीडियोज जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिए शेयर कीजिए वीडियोज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सो so दैट मैं आपको और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं आपके लिए बहुत सारी बातें सिखाऊंगा एकदम अच्छा आपका दिल खुश हो जाएगा बस खाली सपोर्ट चाहिए आपका ठीक है चलो बाय बाय कल मिलते हैं आप ठीक है अकाउंट्स का लेक्चर अभी इसके बाद स्टार्ट होगा वो आप अटेंड कीजिए